दिस इज बिट ऑफ ऑयल, हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, हमारे फैट में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स रहते हैं जो निकल नहीं पाते, एंड व्हेन वी ट्राई टू फ्लश दैट विद वाटर, और वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है कंप्लीटली. सो पानी और तेल नॉर्मल स्टेट में आपस में मिक्स नहीं कर सकते, और पानी नीचे रह जाएगा, तेल तैर के ऊपर आ जाएगा. आई नीड टू यूज अनदर स्पून. चाहे हम जितना मर्जी उसको घोलते रहें, जितना मर्जी करते रहें, वाटर ऑयल बेस्ड टॉक्सिसिटी, ऑयल बेस्ड टॉक्सिसिटी बनी रहेगी. दैट्स अ फैक्ट. पानी और ये तैर के ऊपर, एंड वी वॉन्ट बी एवर एबल टू रिमूव. जबकि अल्कलाइन वाटर हमको ये भी सपोर्ट करता था. वेन वी आर गोइंग फॉर दिस, नाउ आई एम एडिंग, लेट मी एड अ बिट ताकि क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन आए. 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ फोरवेल. नाउ आई एम ट्राइंग टू मूव एंड इट इज कंप्लीटली मिक्सड, कंप्लीटली एमल्सीफाइड. सो कोलेस्ट्रॉल्स, बैड कोलेस्ट्रॉल्स एंड फैट बेस्ड टॉक्सिन्स को भी रिमूव करने के लिए दिस वाटर विल हेल्प. ये सारे वो क्वालिटी पैरामीटर हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है मेरे पास अल्कलाइन ड्रॉप्स है, अलग बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्लेम कर रहा अलग बात है, लेकिन सोलिबिलिटी जीरे की आ रही है, सोलिबिलिटी ऑयल की भी आना चाहिए, ये टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए, क्लियरली विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, इसको हम दोबारा भी घोल सकते हैं एंड इट विल स्टिल स्टिल बी अनडिसॉल्व्ड.